नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट के इस बेहद ख़ास कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर को पर्यटन के लिहाज से जयपुर का जुड़वा भाई कहा जाता है। इस पूरे अंक में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर स्थित रणथंभौर किले के इतिहास के बारे में, और ये भी बताएंगे कि ये 1100 साल पुराना किला अपने निर्माण के बाद से ही कभी चैन की नींद नहीं सोया और शरणागत की रक्षा के लिए सदैव जागता रहा। और ये भी बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अरावली और विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद ये है रणथंभौर का किला। राजस्थान की राजधानी जयपुर से पौने 200 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर का इतिहास इसी दुर्ग के इर्द गिर्द घूमता है। इतिहासकारों के मुताबिक रणथंभौर दुर्ग के जिक्र के बिना मध्यकालीन इतिहास की कहानी अधूरी है। मध्यकाल की अनगिनत घटनाओं को संजोए इस किले को अजेय माना जाता रहा है। ये किला नगरीय संरचना, स्थापत्य कला और मजबूत सैन्य व्यवस्था के लिए काफी मशहूर रहा है। रणथंभौर किले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि मध्यकाल के बड़े से बड़े शक्तिशाली राजा इस पर विजय नहीं पा सके। कहा जाता है कि दुर्ग की प्राचीर पर बैठा एक सैनिक 10,000 शत्रुओं के छक्के छुड़ा सकता था। चौहान शासक जब तुर्कों से हारे तो आप जानते हैं कि उस टाइम दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। तो जब तुर्कों से पराजय मिली उन्हें तो इसका अर्थ ये नहीं कि चौहानों का साम्राज्य खत्म हो गया। तो चौहान राजस्थान में भी अनेक जगह शासन करते रहे और जो केंद्रीय सत्ता है सल्तनत, उनके साथ उनका संघर्ष भी चलता रहा, बीच बीच में समझौते भी होते रहे। तो उन्हीं चौहानों में से एक शाखा रणथंभौर के चौहान शासकों की थी और हमीर उसी शाखा से संबंध रखता था। रणथंभौर के हर भवन की अपनी शैली, अपना गौरव और अपना इतिहास है। किले में मौजूद शिलालेख सैलानियों को अनोखी कहानी से रूबरू कराते हैं। रणथंभौर किले का निर्माण 944 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा रणथंभन देव ने करवाया। रणथंभौर पर 1282 से लेकर 1301 ईस्वी के बीच राणा हमीर देव चौहान का शासन रहा, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार को नौलेखा दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। यह शब्द सम्मान का प्रतीक है। दरवाजे पर जड़े ताम्रपत्र के मुताबिक इस विशाल दरवाजे का पुनर्निर्माण 1810 में जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने कराया था। दीवारों पर नक्काशी भारतीय संस्कृति और दर्शन का प्रतीक रहे हैं। रणथंभौर का किला जो प्रोमिनेंस में आया, उसका जो इतिहास हम जानते हैं वो राव हमीर के टाइम से जानते हैं। राव हमीर रणथंभौर के चौहान शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें पराजित किया, ये इतिहास जानता है। लेकिन बाद में जो राजपूतों का इतिहास है, कई ख्यात लिखे गए, वार्ताएं लिखी गई, रासो लिखे गए। उन्हीं में हमीर रासो भी है, हमीर रायन भी है, हमीर हट भी है। तो ये इनको अगर आप पढ़ें तो इनसे राजपूतों का जो शौर्य है, उनकी गाथाएं हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगी। इतिहासकारों का मानना है कि रणथंभौर किला बनने के पहले ये जैन संस्कृति की आस्था का केंद्र हुआ करता था। राजस्थान में जैनों का बहुत प्रभाव है और पूरे पश्चिमी भारत में, गुजरात में और राजस्थान में, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी जैनों का बहुत अधिक प्रभाव रहा है और राज सत्ता के साथ भी जैन जुड़े हुए रहे हैं। आप जानते हैं जब राणा प्रताप के बारे महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि जब अकबर से संघर्ष के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो उन्हें अपार धनराशि उपलब्ध कराने में भामा शाह का बहुत बड़ा रोल था, जो कि एक जैन थे। इसके अलावा जैन कई राजपूत राजाओं के कोर्ट में, दरबार में, उनके प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त थे और ये चलता रहा, पूरे मध्यकाल में ये चलता रहा। रणथंबोर का अपना गौरवमय इतिहास रहा है। इस दुर्ग की सशक्त और उन्नत प्राचीरों ने कभी यहाँ परम वैभव और विशाल नगरों का साम्राज्य देखा तो कभी हिनहिनाते घोड़ों और विशाल काय हाथियों की गहनों, शस्त्रों से सुसज्जित सेनाओं को अपने आंगन में चहल पहल करते हुए भी देखा। इस दुर्ग की दीवारों को याद है कि किस तरह से कोमल राजकुमार और राजकुमारियाँ किलकारियाँ मारते हुए तलवारों के धनी हो गए। रणथंभौर की भौगोलिक स्थिति और दुर्गम रास्ते दुश्मनों से हमेशा इसकी हिफाजत करते रहे। खास तौर पर दिल्ली और आगरा के शासक यहां पहुंचने में असफल रहे। किले के अंदर गणेश मंदिर, जैन मंदिर, बादल महल, जंवरा भंवरा, अन्ना नगर, दिल्ली दरवाजा, हमीर महल, हमीर कचहरी, तोरण द्वार, महादेव छतरी, सामंतों की हवेली, 32 खंभों वाली छतरी और मस्जिद जैसे कई ऐतिहासिक स्थान हैं। किले में स्थित गणेश मंदिर का विशेष महत्व है। देश भर से हजारों भक्त सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। 5वीं सदी का ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर भारत के प्राचीन गणेश मंदिरों में से एक है। यहाँ पर विख्यात गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर जितने भी शुभ काम होते हैं अपने पूरे भारत के अंदर, सबसे पहले यहाँ गणेश जी को नोतते हैं। यहाँ पर हर शादी का कार्ड यहाँ पर समय पहले पूरे देश से बल्कि विदेश से भी यहाँ कार्ड आते हैं शादी के। ये जगह तो बहुत सुंदर जगह है और गणेश जी प्रभु जी का हम लोग निमंत्रण देने भी आए हैं। विवाह उत्सव है हमारे परिवार में उसका, और बच्चे की भी हमने बोला था कि कोई अगर इसका IIT क्लियर हो जाएगा तो हम ज़रूर आएंगे एक बार आपके दर्शन करने, तो उसी निमित्त हम यहाँ आए हुए हैं। ये जगह हमको बहुत अच्छी लगी। ये बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है और इसके दर्शन से हमें बहुत कुछ मिला है और हम यहाँ अपने परिवार के साथ आए हैं, शादी भी की है हमने। और मैं चाहती हूँ कि मतलब लोग आएँ और इसके दर्शन करें ताकि उनको पता चले कि गणेश जी के आशीर्वाद से उन्हें कितना लाभ मिलता है। ये बहुत अच्छी जगह है। हमको यहाँ पे आने के बाद हमारे रणथंबोर के इतिहास के बारे में पता चला है। यहाँ पे क्या क्या होता था, क्या क्या हुआ, राजा ने यहाँ पे कैसे मेहनत करके इसको ऐसा बनाया है, इसको बचाया है अपने आगे पीढ़ियों के लिए। इन्हीं खूबियों की वजह से यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति ने भारत के पहाड़ी दुर्ग रणथंभौर का चुनाव किया। इसके विश्व विरासत में शामिल होने के घटनाक्रम को दुनिया भर में लाइव देखा गया। आम तौर पर किलों को राजाओं के बीच संघर्ष की वजह से याद किया जाता है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि रणथंभौर किले के निर्माण में इस्तेमाल तकनीक और सामग्री की जानकारी को भी दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। यह अपने आप में एक अद्भुत बात थी कि पहाड़ के ऊपर इतने बड़े स्केल पर इतना बड़ा मोन्यूमेंट बनाया जाए जो कई मीलों तक फैला हुआ है, और उसके अंदर फिर महल भी होते थे, रहने का स्थान होता था राजा का, सरदारों का, रानियों का, और सब तरह के षड्यंत्र भी उन्हीं किलों के अंदर होते थे। तो उस हिसाब से मैं मानता हूं कि ये काफ़ी अद्भुत है और इनको जो यूनेस्को ने इन्हें जो सम्मान दिया है वो मेरे ख्याल से वो लाजमी है और होना चाहिए। और इस तरह अभी भी कई और ऐसे किले हैं जो हो सकता है भविष्य में यूनेस्को हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आए। इतिहास का ये अजेय किला आज देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। हर दिन सैकड़ों लोग किले को देखने पहुंचते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से उनकी सहूलियतों का भी खास ख्याल रखा गया है। जगह जगह पानी पिलाने की व्यवस्था है। इस काम में 32 वर्षों से कैलाशी देवी लगी हैं। माँ को 32 साल होगी साहब। तो क्या करती हैं आप यहाँ? सेवा करती हूँ, पानी पिलाते, आता जाता पानी पिलाती। तो तो कैसा लगता है आपको? फ्री सेवा कर रही साहब। यहाँ लोग क्यों आते हैं मंदिर में? आपके सबकी मन पूरी होती है, कोई की शादी करा, कोई इसकी नौकरी लगवाओ गणेश जी महाराज। कितनों की हुई शादी, कितनों की नौकरी लगी अब तक? अब तक नारायण की लगी, पार्टी कर कर जाता है भाई। मेरी तो भगवान ने मेरान की करवाई। अच्छा, आपकी क्या आस्था है यहाँ से? आप अपना बताइए। कहाँ यहाँ आस्था? यहाँ आपको क्या फ़ायदा हुआ यहाँ से? हमारा तो यह फ़ायदा है, पानी पाऊँ तो मेरा बच्चा बच्ची की शादी होगी जी महारानी। We chose to visit Ranthambore so that we could go and do a tiger safari and go through the jungle. And we're in India just on holidays, and it's been a really good, exciting day. We were up in the Ranthambore Fort just exploring. Nice to go for a walk and see the temples that are up here. It's very beautiful and peaceful. The monkeys are very interesting. We don't have those around at home, and yeah, it's lovely, very old. We don't have old things like this at home. It's a very old, more than 1,000-year-old. It was 10th century, and we heard about the King Hamir. Yeah, and it was this fort was attacked by Alauddin Khilji as well. And it's also from the Akbar side, and it's very beautiful. And inside beautiful temples, we have seen the canopies, yeah, and the steps are very beautiful. And it's a really wonderful, and it should be encouraged. It should advertise more about this fort. रणथंभौर सिर्फ दुर्ग ही नहीं, दूर दूर तक फैले प्राकृतिक संपदाओं के लिए भी मशहूर है। अब हम आपको ले चलेंगे बाघों की दुनिया में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व की। अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के ठीक बीचों बीच स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व का शुमार देश के सबसे घने जंगलों में होता है। सैकड़ों की तादाद में विचरण कर रहे बाघों की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर के पर्यटक बेताब रहते हैं। इस अंक में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पर्यावरण की रक्षा करता ये बेहद दुर्गम और घना जंगल आज भी हिंदुस्तान का सिरमौर बना हुआ है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर का प्रमुख पर्यटक स्थल है। ये देश के बाघ संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। 392 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पार्क को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। यहाँ मौजूद 3 झीलों के आसपास बाघों के दिखने की संभावना ज्यादा रहती है। यहाँ पहुंची राज्य सभा टीवी की टीम ने बाघों की दुनिया को कैमरे में कैद किया। सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट है, जो एक बहुत बड़ा पर्यटन का आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटक हर साल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर टाइगर की साइटिंग सभी नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट की अपेक्षा सर्वाधिक होती है, और ये दिल्ली बॉम्बे रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। पर्यटकों के लिए यहाँ आना बहुत आसान है, तो ये एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र है। इसकी वजह से यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं। इस उद्यान में बाघों के अलावा चीते भी पाए जाते हैं। इन्हें देखने की सबसे बेहतर जगह है कचीदा घाटी। इनके अलावा सांभर, चीतल, जंगली सुअर, चिंकारा, हिरण, सियार और जंगली बिल्ली समेत पक्षियों की 264 से ज्यादा प्रजातियां यहां दिख जाती हैं। सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी भी आपको भा सकती है। रणथंभौर जो नेशनल पार्क है, ये बाघों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल पार्क है, जहाँ पर बाघ अपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ तीनों ही ऋतुओं का बहुत अच्छा समावेश है। और जो ग्रीनरी है उसके लिए उसको टाइगर को टेरिटरी के हिसाब से 1650 वर्ग किलोमीटर का एरिया मिलता है, जो हर टाइगर की टेरिटरी 40 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे कम से कम 150 टाइगर रह सकता है एक साथ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे टाइगरों को जिस तरीके से संरक्षित किया गया है, जिस तरीके से नूर, मछली, मीरा, इन टाइगर्स ने यहाँ पे काफ़ी अपना कुनबा फैलाया है। आज टाइगर प्रोजेक्ट में 40% कुनबा मछली, नूर और मीरा का है। पर्यटन से यहाँ का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो नेशनल पार्क ही है। उसमें उसी के चलते हुए यहाँ पे जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकती। जो मेजर अट्रैक्शन है जैसे मैंने बताया कि वो नेशनल पार्क ही रहेगा, और उसको देखते हुए काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी होटल्स इंडस्ट्री है, वो उन्होंने अपने यहाँ पे धीरे धीरे अपने आप को जमाया है। यहाँ पे और लोकल लोग हैं जो अपने आप को इसके अंदर मतलब कि कोशिश कर रहे हैं कि उसको डेवलप कर सकें। उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी लोग लोकल्स भी हैं, बाहर के लोग भी आए हुए हैं जो इसको चला रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर टाइगर सिटी के नाम से मशहूर सवाई माधोपुर अमरूद के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ के किसान दूसरी फसलों की जगह अमरूद की बागवानी में लग गए हैं। यहाँ इस साल 90,000 मीट्रिक टन अमरूद के पैदावार का अनुमान है। यहाँ पर एक अमरूदन का बहुत बड़ा व्यापार की तरह मान लो, या अमरूदन की पैदाश फसल बहुत बढ़िया है, अच्छी है। पूरे राजस्थान में या क्या पूरे इंडिया में यहाँ के अमरूद फेमस है। सवाई माधोपुर ज़िले के यहाँ पर अमरूदों की खेती एक बीघे में लगभग कम से कम 1 लाख रुपए का बेनिफिट देती है। अमरूदों की फसल से हम जी रहे हैं। अगर अमरूद नहीं होते तो इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, और अमरूदों की कमाई से ही सब कुछ हमारा यूपी तक का भी खर्चा चलता है। यहाँ से यूपी वालों को भी बढ़िया रोजगार मिल जाता है और हमारा भी अच्छा पेट पालन हो जाता। सवाई माधोपुर में बर्फ खान गोला, L-49, सफेदा, इलाहाबादी किस्म के अमरूद की पैदावार होती है। इसे देखते हुए सरकार ने 2008 में अमरूद मंडी का भी निर्माण करवाया, जिससे किसानों को सहूलियत मिल सके। व्यापारियों का मानना है कि आने वाले समय में अमरूद के कारोबार का बड़े पैमाने पर विस्तार होगा। ये रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट का जो बिजनेस है यहाँ पर 4-5 अरब का जो भी है, उससे करीब डेढ़ा बिजनेस आज की तारीख में अमरूद का व्यवसाय का, और अब ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस चालू हो जाएगा तो ये मान के चलो आप बॉम्बे वाला मार्केट, महाराष्ट्र, गुजरात, ये नया मार्केट भी यहाँ खुलने से और बढ़ेगा इसका काम। देश के 5 प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयों में से एक सवाई माधोपुर में है, जो स्कूली बच्चों और प्राकृतिक विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए काफी उपयोगी है। ये राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय नई दिल्ली का आंचलिक केंद्र है, जो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है। मेन फोकस हमारा स्कूल स्टूडेंट के लिए होता है इस म्यूज़ियम में। इसमें बहुत सारे हम डे रिलेटेड प्रोग्राम कराते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ वीक हो, क्विज कंपटीशन हो, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, या बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें फोकस यही होता है कि चूँकि बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, अगर उन लोगों को हम जागरूक करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके माइंड पर ये छाप रहेगी, और हमारे पर्यावरण का जो हानि होती जा रही है उसके लिए वो समझाएंगे, और अपनी मतलब जागरूकता आएगी तो वो उसका देश का भला होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। संग्रहालय की पश्चिमी घाट की जैव विविधता, राष्ट्रीय पार्क के जीव जंतु, भारत की जनजातियां, जीव जंतुओं की दीर्घाएं सैलानियों को खूब आकर्षित करते हैं। म्यूजियम में वन्य जीवों पर बनी फिल्में भी दिखाई जाती हैं। रणथंभौर एक तीर्थ है हिंदू, मुस्लिम और जैन संस्कृति का। जीता जागता कालजयी स्मारक है स्वतंत्रता और स्वाभिमान का। स्वर्णिम अध्याय है भारत के गौरवशाली अतीत का। अद्वितीय उदाहरण है भारत की सफलतम बाघ संरक्षण परियोजना का, और साथ ही सिरमौर और प्रतीक है राजस्थानी आन बान और शान का। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरामैन नारायण सिंह ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्य सभा टीवी, रणथंबोर।